अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह करने और भावात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाल रखा है। सुनीता केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए दावा किया कि जेल में केजरीवाल के शुगर का स्तर बढ़ गया। जेल में रहते हुए भी वो दिल्ली की चिंता करते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को पूरे देश को बताएंगे कि कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा छापेमारी की है। अरविंद केजरीवाल इस तथाकथित शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी छापेमारी में एक भी पैसा नहीं मिला। ईडी ने मनीष सिसोदिया के यहाँ पर छापेमारी की, संजय सिंह के यहाँ पर छापेमारी की गई, लेकिन पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ईडी ने हमारे यहाँ पर भी छापेमारी की, उन्हें मात्र 75,000 रुपये मिले, तो इस घोटाले का पैसा कहाँ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे इसका खुलासा 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। कोर्ट के सामने करेंगे। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों के पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे।